गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। हमेशा की तरह खबरों में विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दुर्व्यवहार को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद दोबारा लौटे काम पे। पुलिस द्वारा शिक्षकों पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों ने किया जिलाधिकारी से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी विजेंद्र पंड्यन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिए निर्देश। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने राजघाट पुल के पास पूर्वांचल का पहला निशान के शोरूम का किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह और पूर्व मेयर पवन बथवाल सहित कई दिग्गज उद्घाटन में हुए शामिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी बैठक। 23 मार्च तक जोड़ों की सूची उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद। एसएसपी शलम माथुर ने कार्यालय में सुनी फरियादियों की फरियाद, कहा अब थानों पर ही होगा समस्याओं का समाधान। यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की बैठक हुई संपन्न। अपनी मांगों को लेकर 11 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बनाई गई रणनीति। बांसगांव बीडीओ के निलंबन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने विकास भवन परिसर में दिया धरना। सीडीओ के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे वापस। कई संस्थाओं द्वारा आयोजित हुई वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा। वक्ताओं ने स्वर्गीय सिंह के जीवन संघर्ष और उनके साहित्य पर डाला प्रकाश। कैंट थाना क्षेत्र के बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने बाइक चोरी करते पकड़ा गया एक युवक, लोगों ने जमकर की पिटाई। नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों ने जमा किए गृह कर और जल कर। मंडली सूचना कार्यालय में तैनात प्रशांत कुमार श्रीवास्तव बनाए गए संत कबीर नगर के जिला सूचना अधिकारी। निजीकरण के विरोध में जोन के सभी विद्युत संगठन पदाधिकारियों और कर्मचारी हुए एकजुट, किया जोरदार प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का नगर निगम पार्क परिसर में धरना प्रदर्शन। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज ए ने स्पोर्ट्स कॉलेज बी की टीम को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में रॉयल उद्यान क्रिकेट एकेडमी ने डोना क्रिकेट एकेडमी को 5 विकेटों से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य कर रहे शिक्षकों ने बुधवार को मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया। मूल्यांकन कार्य में लगे 6 केंद्र के शिक्षकों ने बुधवार को सुबह तुलसीदास इंटर कॉलेज में एकत्र हुए, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए सीओ कोतवाली के निलंबन की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि सीओ कोतवाली ने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिससे वो काफी आहत है। विरोध प्रदर्शन में शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी भी शामिल होकर शिक्षकों का समर्थन किया। शिक्षकों के कार्य बहिष्कार की सूचना पाकर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शिक्षकों के साथ हुई घटना पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने उनका ढाढ़स बढ़ाया, जिसके बाद शिक्षकों ने गुरुवार से पुनः मूल्यांकन कार्य पर लौटने का निर्णय लिया है। आपको बताते चलें कि यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए गोरखपुर के 6 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि इन केंद्रों पर
उनके लिए पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर शिक्षकों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसी दौरान सीओ कोतवाली ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसके कारण शिक्षकों को कार्य बहिष्कार करने की नौबत आ गई। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी ने बताया, आप लोग यहाँ आंदोलन यहाँ मूल्यांकन केंद्र पर जो अव्यवस्थाएं हैं, मूलभूत बिजली तक नहीं है, शौचालय तक साफ नहीं है, न कोई उसमें कोई कर्मचारी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के शिक्षकों ने उप नियंत्रक से अनुरोध किया कि आप इसे दूर करें। तो उसके संबंध में उन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई की, तो शिक्षकों की मांग है कि उनको निलंबित किया जाए। अच्छा, सिविल सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को बुला लिया गया, मांग थी वो भी उप नियंत्रक हटाए जाए और सीओ को निलंबित किया जाए। सीओ कोतवाली यदि नहीं तो उसको कहा कि हम उसको हटा रहे हैं, सीओ कोतवाली उनको हटा रहे हैं। अभी जिला उनका जो है अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारी आए हैं, बातचीत हो रही है और हम ज्ञापन डीएम को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो होगा उसके आधार पर आंदोलन चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई है, आपसे क्या आश्वासन मिला है आपको? वो कह रहे हैं कि हम माफी मांग रहे हैं, लेकिन गलती कोई दूसरा करे और माफी मांगे दूसरा तो उससे एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है।
मूल्यांकन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, कितने केंद्रों के लोग यह बहिष्कार किए हैं मूल्यांकन? जिलों में भी करेंगे, गोरखपुर में 6 केंद्र के। हाँ। अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे तो हमारी मांग है कि सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही है। तो हटाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? निलंबन। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान तुलसीदास इंटर कॉलेज के पुलिस और शिक्षकों के बीच हुए विवाद को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी से मुलाकात किया और डीएम को अपने मांग संबंधी ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की और मांग पूरी न होने की दशा में 23 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों के मांगों की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडे ने बताया, तो शौचालय या सफाई दफाई कुछ नहीं थी, अध्यापकों को बुलाना चाहते हो उनको नियंत्रण कर उनसे कहा, अब वो जा रहा है, सरकार ने काट दिया तो हम क्या करें। कोतवाली बुला से अब उन लोगों ने जैसे मानो हो कि बदुआ गिरोह के बदुआ एक हमारे यहाँ वोटर है सर, और ये हमारा मूल्यांकन मतलब निर्वाचन क्षेत्र का सीमान है, तो मैं आया नगर था प्रिंसिपल ने औपचारिकता में ये नहीं कहा कि चलिए आप यहाँ बैठिए, वही हमने दिया है, कहा कि तुम्हारा ऑफिस और यह विद्यालय 50 मीटर दूर नहीं, तुमको यह देखना चाहिए कि यहाँ जो है बिजली है कि नहीं, कैसे होगा। आप न्याय नहीं करेंगे, आप हमारे ही ऊपर हमको अपमानित करेंगे तो समुदाय नाराज होगा। और दूसरी बात थी कि ऐसे जो तो मतलब सीओ ऐसे उनको जिस मंत्री के जनपद में हर आदमी मुख्यमंत्री से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, यार सबका तो मुख्यमंत्री है, 23 करोड़ लोग तो मुख्यमंत्री उस सीओ को हटवा दिए, निलंबित करवा दिया जाए, और ये एक ज्ञापन है महोदय। और एक आदमी शहर कराने का जो माध्यम है आप है और वह बता दीजिए तो हम आपके साथ हैं, आपकी जय जय बोलेंगे और हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। नहीं यार कुछ चीजें तो सीधे हमें बता दिए होंगे तो बात निपट गई होगा, इतने पूरे दिन का धरना आज देखिए पूरे दिन बेकार हो गया, इतने का मुसीबत ही नहीं आया होगा, दोपहर से शाम तक कैसे पसीना छूटते हुए, तो फिर कैसे सेंटर में बिजली है, किस तरीके से अध्यापक और बैठे काफी ज्यादा पसीना से तरबतर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बंडल ढोने ले जाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में अध्यापक कैसे काम कर रहा है? 2 साल से वो सेंटर बनी, पिछले 2 साल से सेंटर से सर सबसे ज्यादा मूल्यांकन उसी सेंटर पे हुआ है। अच्छा, सेंटर है इतनी दुर्व्यवस्था के बाद सबसे ज्यादा मूल्यांकन उसी सेंटर में हुआ है। अच्छा, एक 5 जगह यहाँ मूल्यांकन का चल रहा था जो यहाँ गोरखपुर में, उस पर एक जगह प्रॉब्लम थी ताकि मूल्यांकन केंद्र में बिजली का कटौती हो गई थी ताकि उनके बिजली का बकाया गए, और उसी की वजह से उन लोग परेशान थे, जो ताकि उन लोग का बिजली का सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसी वजह उन लोग का जो मूल्यांकन कराने में तो दिक्कत हो रही है। उसी लेके जो वहाँ का केंद्र प्रभारी एवं वहाँ का जो अध्यापक का आपस में थोड़ा इश्यू हो गई थी, उनने जो केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र का जो प्रभारी उन्होंने पुलिस फोर्स को बुलाया गया, फिर पुलिस चले गए थे, उस हिसाब से इश्यू हो गया था। अभी तो फिर माननीय MLC साहब आए थे, उनने भी तो तमाम इश्यू रखे थे, उस पर 2-3 इश्यू ये भी आई थी। नंबर 1 जो स्कूल कहाँ जो मूल्यांकन के लिए अनुमति मिला था वो स्कूल में सुविधा पर्याप्त नहीं था,
उसको तो हम विचार कर रहे हैं, यदि तो सुविधा इन लोग सही नहीं कराएं तो फिर अगले साल इसको जो सेंटर नहीं बनाएंगे। उसी के अलावा जो वहाँ पुलिस फोर्स गए हैं उनको भी जो उनको भी फीडबैक उन्होंने बताया था, उन लोग थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं किए हैं, थोड़ा इश्यू हो गया है, उसका मैं SSP साहब से डिस्कस करेंगे और आगे जो भी ये मामला है ये आगे नहीं बढ़ेगा। हमने इनसे बताया था मूल्यांकन आप जा करके शुरू कर लीजिए, बाकी सुविधा के इश्यू हो और उन लोग का जो कठिनाई जो हो रहा उसको हम टेकअप करेंगे। थैंक यू। स्वास्थ्य सेवा का जायजा लेने के लिए बुधवार को नवागत जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी, आर्थो विभाग, महिला अस्पताल, चाइल्ड वार्ड, इंसेफ्लाइटिस वार्ड, होम्योपैथिक चिकित्सा सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने अस्पताल में मिल रही दवाओं की भी जानकारी ली। DM ने इमरजेंसी वार्ड में उपलब्ध दवाओं के एक्सपायरी डेट को भी चेक किया। जिला अस्पताल में DM ने मरीजों की पपत्रों की जांच भी की। DM ने ड्यूटी बोर्ड पर लिखे डॉक्टरों और कर्मचारियों की हाजिरी भी ली। जिलाधिकारी ने इंसेफ्लाइटिस वार्ड में उपलब्ध संसाधनों का भी अवलोकन किया और CMO को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल के वार्डों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में आगे उन्होंने बताते हुए कहा, दवा लगातार लेते रहिएगा, ये बहुत लंबा समय लगेगा सही होने में, कम से कम एक बार दवा लेना पड़ता है। यार एपिलेप्सी के पता नहीं बहुत लंबा चलता है, 3 साल दवा लेना पड़ता है, 3 साल लगातार तब सही हो पाएगी। ले लीजिए दवाई, मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ में नहीं तो महिलाएं सर बीमार हो गई, सर 3 साल तक दवा लेना पड़ेगा, 3 साल लगातार लेना होगा। दिन भर की आई पहले एडमिशन हो गई, दिन भर पर सही हो जाएगा, 3 साल लगातार दवा लेना होता है तब सही होगा। ये हम बात करते हैं, बात करते हैं। देखिए अगले महीने एक महीने का 60 करवा कैसे कैसे खत्म हो जाएगा, कोई बेकार हो जाएगा, वही 60 करवा ये समझ नहीं आता, ये सब करवाए। कोई इमरजेंसी मेडिकल में कोई जरूरत हो नहीं, कोई सफाई सफाई दवाई करेगा, तो एरिया कौन करेगा, उनका भी प्रोवाइड करें, वो सारा करता है, देखना है।
बेड कितने टोटल का पता है? 300 टोटल टोटल एमरजेंसी में 40 डॉक्टर सर डॉक्टर तो कम वो नहीं है वो वाले सही हो जाए वो नहीं है सर ब्लड निकालेंगे ब्लड निकालेंगे खून नहीं है सर मास्क भी चाहिए ना ऊपर ये सब वो ऊपर से कोई ऐसा नहीं बहुत छोटा सा साइनस पैक है जब ब्लड निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगी सही हो जाए बिजली की व्यवस्था ही नहीं है सर जब आपने हमें पैसे अधिकारी कहिएगा मुझसे कुछ कहिएगा मुझसे मिल ले फिर जैसा होगा हम सर को बताएंगे आप बताइए कहिएगा मुझसे एक बार मिले कितने बड़ा जगह चाहिए होगा इतने बड़ा और दूसरा जगह बढ़िया से मिल जाएगा तो हो जाएगा ये आपके प्रांगण का है हाँ हाँ तो इसको दूसरे जगह क्यों रैंप नहीं ले सकते आप कहीं कहीं नहीं सर ना आप इसको ऊपर ही प्रपोज कर रहे हैं फिर उसको ऊपर ऑपरेशन थिएटर आ जाएगा नहीं वो तो है सर उधर से रैंप है ऑपरेशन थिएटर का है सर बन चुका है
नहीं उसी के पीछे पीछे जोर नहीं वो गैप है सर, इसका प्रपोजल मैंने बना के काफी गोरखपुर के स्टैंडर्ड से काफी अच्छा है, मेरा अपना भी 73% गोरखपुर का महिला अस्पताल पुरुष अस्पताल एवं यहाँ का जो ईडी वार्ड है जो बच्चे रखने वाले वार्ड तीनों को निरीक्षण किया था, मोटा मोटा तौर पे सही पाया है। यहाँ तो सफाई वफाई के लिए हमने बताया था, सफाई के लिए ध्यान रखते हुए हर दो घंटे का सफाई कराने के लिए। उसी के अलावा यहाँ क्या बाहर से बहुत जनपद से भारी संख्या में जो मरीज आ जाता है यहाँ, इसलिए तो एक वार्ड तो यहाँ जो महिला अस्पताल के पास बन रही है उसी के अलावा तकरीबन 300 नहीं तो 400 बेड और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से हम लोग योजना बना रहे हैं कि जल्दी उसका एक्सपैंड हो जाए तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का उसका फ़ायदा मिल सके। और उसी के अलावा छोटा एक दो समस्या था, मतलब मान लीजिए गर्मी आने वाले हैं उसके पहले जो यहाँ कितने जगह एसी लगा सकते हैं, उसके एसी लगा करके हम वार्ड के इक्विप कर रहे हैं ताकि जो डिलीवरी के बाद महिला 48 घंटे कम से कम रुक सकते हैं। उसी के अलावा जो बच्चे यहाँ जो कितने लोग बच्चे हैं या कम से कम तो 15 बच्चे का जो इमरजेंसी वार्ड है उसी के भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि तो अभी तो गर्मी के समय में और मरीज आएंगे उसका, उसी के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और हम लगातार आएंगे उस पर, हर सप्ताह विजिट करूंगा और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करा रहे हैं। सर पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का ज़्यादा कार होता है, इंसेफेलाइटिस के लिए कुछ विशेष ना? आज तो इंसेफेलाइटिस वार्ड ही देखा था, उसी के एक्सपेंशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो फिलहाल 15 जो इमरजेंसी बच्चे हैं रखने के लिए जो सुविधा है उसी के कम से कम और दो गुना कराने की ज़रूरत है। उसी के अलावा जो यहाँ जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसको भी सुविधा मैं देखूंगा कल परसों, उसी के हिसाब से प्लान करते हुए उसका व्यवस्था बढ़ाएंगे। चार पहिया वाहनों में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजघाट पुल के निकट पूर्वांचल का पहला वीर बहादुर सिंह एंटरप्राइजेस निशान डस्टन शोरूम की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन बुधवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, गोरखपुर के पूर्व मेयर पवन बथवाल, निशान डस्टन शोरूम के डायरेक्टर वी विश्वान सिंह, गोरखपुर न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक एवं प्रधान संपादक हनुमान सिंह बघेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के पश्चात विधायक फतेह बहादुर सिंह ने निशान डस्टन शोरूम का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह और डायरेक्टर वी विशान सिंह ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से पूर्वांचल में पहला निशान डस्टन शोरूम की स्थापना की गई है। कहाँ गए? सिस्टम है। ठीक है।
अभी तो भेजने वाला था इसका नाम। सरकार में ये बहुत अच्छी काम करो अब बाकी क्या है बताओ। बहुत बढ़िया है, काम कर रहा है, हमारा बिजली के एक नंबर, सारी गर्मी बाहर ऑटोमेटिक है। बाबू गुलदस्ता भी दे दो, गुलदस्ता दे दो बेटा। सर पर आज यहाँ पे आना हुआ। देखिए ये विश्वाम सिंह जी का आज शोरूम खुला है निशान बिग हाउस के नाम से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक नए डिस्ट्रीब्यूटर निशान के रूप में ही बने हैं। हम लोग को आशा और विश्वास है कि परिवहन के क्षेत्र में जो ये नई मॉडल की गाड़ियाँ आई हैं गोरखपुर के साथ साथ जो गोरखपुर का विकास हो रहा है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से अगर अच्छा साधन हो, अच्छा व्हीकल हो और कम मेंटेनेंस का हो, विदाउट एनी मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस व्हीकल अगर मिलने जा रहा है तो ये निशान की गाड़ियां हैं जो नए मॉडल में अभी अभी आई हैं। और पूरे विश्व में मेरे ख्याल से निशान अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। जी आऊँगी, क्या प्राथमिकताएँ होंगी आपकी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता निशान के लिए ये होगी कि हम लोगों के लिए जितना कर सके अपनी तरफ से उतना कर पाएंगे, और जितने मॉडल हम उन्हें अवेलेबल करवा सकें जो हमारी क्षमता में है उनको दिलवा पाएंगे। ये शोरूम पूर्वांचल का जैसे पहला निशान का पहला शोरूम है जो यहाँ पे है, जितना हम कर पाएंगे और जितने नए मॉडल यहाँ पे निकाल पाएंगे लोग जितने हमारे साथ जुड़े और हम जितने लोगों के साथ जुड़े उतना अच्छा है हमारे लिए भी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे जोड़ों की शादी कराने की तैयारी के लिए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जोड़ों को दिए जाने वाले सामान पूरी गुणवत्ता के हों और कार्यक्रम में वास्तविक जोड़े ही शामिल किए जाएं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम 29 मार्च को संपन्न होगा। उन्होंने विकास खंडवार तथा नगर निकायवार जोड़ों की सूची 23 मार्च तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जोड़ों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। जोड़ों के लिए दिए जाने वाले सामान की खरीदारी के लिए दो महिलाएं अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में शादी करने वाले जोड़ों को कुल 35,000 रुपये भी दिए जाएंगे, जिसमें से 20,000 रुपये कन्या के खाते में डाले जाएंगे। यदि कोई विधवा या तलाकशुदा परित्यक्ता महिला शादी करती है तो उसके खाते में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 10,000 रुपये का सामान दिया जाएगा और 5,000 रुपये प्रति जोड़े भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर, बिजली पर खर्च किए जाएंगे। पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या अपने अभिभावकों से निराश्रित हो, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे हो, पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। बैठक में सीडीओ अनु सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, विभागीय अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी गण उपस्थित रहे। बजट आपको मिला 400 सर। फोटो ये है 20,000 तो बोलो उनको बच्ची को, 10,000 का सामान होगा सर, और 5,000 पेंटेज, 5,000 पेंटेज, 5,000 पर यानी 35,000 के आसपास, 35,000
ये 20,000 क्या खाते में? 10,000 का सामान एक कमेटी बनी हुई है। अच्छा, इसको प्रक्योर भी करेंगे मतलब खरीदेंगे? हाँ सर। करके पर्चे बता रहे वीडियो देखे करके अपना परिचय दे रहे आप स्टार्ट करें। वीडियो पाली और प्राइस, पाली की प्राइस 2,00,000 है सर। जी सर, चौधरी वीडियो मंगलवार को जिले का कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसका निस्तारण भी किया और अन्य मामलों को निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से फरियादियों की समस्या का निस्तारण करके रिपोर्ट देने की बात भी कही है। डीएम के जनता दरबार में भारी संख्या में फरियादी आए थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी फरियादियों की बातों को सुना और हर संभव उनके समाधान करने का प्रयत्न भी किया। 2017 उसने कहा कि इस संदर्भ में सुप्रीम इसमें संविधान में कोई व्याख्या नहीं दी गई, इसलिए हम मेरे ग्राउंड पर कमला देवी वर्ष स्टेट ऑफ यूपी का उदाहरण देते हुए इसको मेरे ग्राउंड पर उनके आदेश के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातें सुना और उसने स्टे देते हुए पूर्व केस से बाहर कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया था। देखिए यार, वो क्वाश नहीं किया। देखिए अब क्वाश होता है तो मैं तुरंत आपको कर दिया होंगे स्टे, मतलब अभी विचार दिन चल रहा होगा ना। मामला सुमन जी ये वो आदेश लेके आए, ये यथास्थिति के लिए है। यथास्थिति मतलब असिति रहेगा, जो व्यवस्था ऐसे ही है तो मैं इसको पलट के कर नहीं सकता हूँ। मेरा ऊपर सुमन जी इसके आपने दिया है आपको ये देता है बोल रहा है हम भी हमारा वचन रखेंगे। क्या और फिर उसके बाद से एक और टाइम ये जो है और उसके बावजूद ये जो जहाँ गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बुधवार को अपने कार्यालय में फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया कि बुधवार को काफी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिस पर एसएसपी ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया जिससे सभी फरियादी अंदर कार्यालय में बैठ सके। एसएसपी ने कहा कि पीड़ितों की समस्याओं को थानों पर सुना जाए और उसे तत्काल थानों पर ही निस्तारण कर अवगत कराया जाए। उन्होंने फरियादियों से कहा कि आप लोग सबसे पहले अपनी समस्याओं को लेकर थाने पर जाएं, अगर थाने पर समस्या ना सुनी जाए तब हमारे पास आएं। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की समस्याओं को थाने पर जरूर सुना जाएगा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही यहां से कार्रवाई की जाएगी। सर मेरी निगरानी की जमीन है, मैं बाउंड्री कराया है, बजाय बाउंड्री कराया है, तो जमीन की वजह से सरकार है बगल में पीछे अग्रवाल है, हमारी बाउंड्री हो गई है। थाने कहीं थाने में नहीं कार्रवाई करती है।
खाने जाएंगे आपको लगता है प्रियानंद सिंह मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। रोडवेज कर्मचारी सातवें वेतन मांग के लाभ को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, जिसको लेकर यूपी रोडवेज इंप्लॉयज यूनियन आगामी 10 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए यूपी रोडवेज इंप्लॉयज यूनियन की एक बैठक बुधवार को रेलवे रोडवेज स्थित यूनियन सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर उदासीन रवैया अपना रही है, जो अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। बैठक में उमेश मिश्र, अमर मणि पांडे, दीनानाथ मिश्र, संजय तिवारी, सुशील उपाध्याय, अजय पांडे सहित यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अनौपचारिक रूप से हमें उद्बोधन करने का दायित्व प्राप्त हुआ, सहसा किसी 11 तारीख की हो रही हड़ताल में सफल नहीं हुआ। बहुत दिनों से प्रतीक्षित था हड़ताल। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का प्रत्येक कर्मचारी संवर्ग हड़ताल करना चाहता था, लेकिन उसे उचित अवसर की तलाश थी। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्री राम त्रिपाठी जी द्वारा, हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री तेज बहादुर शर्मा जी के द्वारा यह शुभ अवसर हम लोगों को दिया गया है कि 11 अप्रैल को पूरे परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश का चक्का जाम होगा और कलमबंद हड़ताल होगी। सातवां वेतन हमारा बकाया चल रहा है, रोडवेज कर्मचारियों का छठवें वेतन मान का एरियर है। हमारे संविदा के चालक परिचालक साथी अभी अपने तमाम नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, एसीपी के एरियर और एसीपी के तमाम उत्तरदायित्व भी लंबित हैं, तमाम वेतन विसंगतियाँ लंबित हैं। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी कर्मचारी समूह ने प्रांतीय अध्यक्ष यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन श्री राम जी त्रिपाठी जी के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार 11 अप्रैल को हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे चाहते हड़ताल हमारा
पेशा नहीं है, कोई अपने कंसर्न को बंद नहीं करना चाहता, कोई अपने लोगों को दुख नहीं देना चाहता, कोई अपनी व्यवसाय को बाधित नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को जब उत्तर प्रदेश की यह निरंकुशशाही अफसरशाही सरकार नहीं समझ रही है तो निश्चित तौर पे हमें हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और 11 अप्रैल तक अर्थात 10 अप्रैल तक अगर हमारी संपूर्ण मांगे मांग नहीं ली जाती तो 11 अप्रैल को हम सभी लोगों को चक्का जाम करना पड़ेगा। बांसगांव बीडीओ द्वारा बांसगांव के ग्राम पंचायत अधिकारी हंसलाल के साथ किए गए दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने बुधवार को विकास भवन परिसर में धरना दिया। इस धरने के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीडीओ द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए वह बीडीओ के निलंबन की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर वापस लौट गए। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार शुक्ला ने कहा, वहीं प्रदर्शन के बाद पूरी जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, क्या दिक्कत हो गई आप लोग यहाँ विकास भवन में धरना दे रहे हैं? दिक्कत ये हुई हम लोगों के सामने कि हम लोग गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है आवास को पूर्ण करने के लिए उसको दिन रात मिल करके वो करके हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और हर जगह जा करके सुबह से लेकर शाम तक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम करवाया जा रहा है। अब एक चीज सफलताएं भी मिल रही, इसके बावजूद बीडीओ बांसगांव के द्वारा आए दिन कर्मचारियों को गालियों से नवाजा जाता है और गालियों से नवाजने के दो दिन पहले हंसलाल को गाली गुप्ता से नवाजे, फिर कल शाम को बुला करके उसको इस तरीके से प्रताड़ित करके गालियों से नवाजा गया कि वह मानसिक संतुलन खो दिया अपना और वो बेचारा चला है घर से। वहाँ से उनके गाली गुप्ता खुलने के बाद जैसे ही चला है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मरणासन स्थिति में पहुँचा हुआ। एडीओजी जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी है उन लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा था। मामला यह है कि कल एक हमारा नया कर्मचारी है, कल वो बांसगांव से वापस अपने घर गोरखपुर की ओर आ रहा था तो वो उसकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा उसको चोटें आई हैं और अभी फिलहाल लखनऊ में है, लखनऊ से रेफ़र किया गया है। तो उसी मामले को लेके इनका ये बैठे थे लेकिन अब सभी संतुष्ट हैं और सभी ने इस फ्रेंड के साथ कि वो अपना टारगेट मार्च महीने में पूरा करेंगे इस संकल्प के साथ वो वापस उठ गए हैं। किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं है इस मामले में, उसकी बहुत अच्छी से अच्छी जांच चल रही है। यहाँ पे बीआरडी में एडमिट था, सीनियर डॉक्टर्स ने उसे देखा और उसके बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस से उसे लखनऊ के लिए भेजा गया है। लखनऊ में भी सभी तरह की उसके उचित इलाज के लिए व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। बस ये था कि वो देर रात मीटिंग के लिए आ रहा था, इस वजह से ही बैठे थे, बाकी कोई किसी तरह का कोई आरोप किसी भी तरह की कोई समस्या। थैंक यू। प्रेमचंद साहित्य संस्थान, सुधा स्मृति संस्थान और भोजपुरी संगम सहित कई अन्य संगठनों द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रोफेसर अनंत मिश्र, वरिष्ठ कथाकार मदन मोहन, वरिष्ठ कवि महेश अश्क, आलोचक कपिल देव,
वरिष्ठ पत्रकार व बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रत्नाकर सिंह, मनोज सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के जीवन, संघर्ष और उनके साहित्यों पर प्रकाश भी डाला। अरे आप ही का बंद है, चलिए डालिए, चलिए डालिए डालिए। ले लिया तो ना तीनों कैमरा घुसा गया और उसके बाद भी एक बार जब यहाँ पर उन प्रेमचंद साहित्य संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पद संभाला था, तब भी वो आए थे और यहाँ इसी लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने हम सभी लोगों से काफ़ी लंबी देर तक बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि इस प्रेमचंद जी के घर में बैठकर मैं बहुत रोमांच महसूस कर रहा हूँ और उन्होंने फिर तालस्टाय के घर के बारे में हम लोगों से अपनी स्मृतियाँ साझा की और कहा कि प्रेमचंद का घर भी जैसे रूस में तालस्टाय का घर को जिस तरह से वो सजो कर रखा गया है किस्मत के रूप में, उसी तरह से यहाँ भी उनका सपना है कि प्रेमचंद का घर और स्थान जो है उसी के अनुरूप सजोया जाए। तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे उनसे जुड़े हुए हैं और सब लोग अपनी बात रखेंगे। मैं है और वे कविताएँ उनके व्यक्तित्व की तरह हैं, इतना सरल सहज लेकिन मारक। केदार जी हमें दृष्टि देते हैं, उस जगह पे लाके खड़ा कर देते थे जहाँ से हमें देखना इस समय समाज में जरूरी होता है। किसान, खेत, सृष्टि, आशा, चुनौती, संघर्ष, सारा कुछ उनकी कविताओं में है और वो आम पाठक को उस जगह पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ से कविताओं के माध्यम से वह समझ पाता है कि हमें अपने भीतर कैसी दृष्टि पैदा करनी है इन चीज़ों को देखने के लिए। तो रूप से बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व, अजात शत्रु की तरह उनका व्यक्तित्व था। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। नमन। व्यक्तित्व को देखा, जितना सुना और अभी दो तीन वक्ताओं के मुख से ही जो बातें सुनी वो बताती हैं बहु केदारनाथ से आप वास्तव में बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, हैं और रहेंगे। आपका कृतित्व आपको अमरता की उस उच्च कोटि पर ले जाता है जहां से आपको अपदस्थ करने की क्षमता काल में भी नहीं है, हम मनुष्यों की तो औकात ही क्या है। बलिया के एक गांव चकिया से जन्म यात्रा के बाद अपनी जो जीवन यात्रा शुरू करते तो गोरखपुर, पटना और बनारस, बहुत शिद्दत के साथ बनारस उनके भीतर घुसा हुआ था। बनारस के नाम से उनकी कविता पढ़िए तो लगता है कि बनारस को आपने उस नज़रिए से देखा जिसको शायद, जिस नज़रिए से शायद आम आदमी नहीं देख पाता है। वह कोई विशिष्ट दृष्टि का स्वामी ही उस निगाहों से देख सकता है। हमारे मंच पर हमारे तमाम गुरुजन उपस्थित हैं, सभी वो एक कभी सुना था कि शिवा को सराहू की सराहू चित्रसार को, तो ये सारे लोग जो हैं मंच पर बैठे हैं या जो हमारे सामने बैठे हैं सभी कहीं ना कहीं एक विशिष्ट उच्चता को धारण करने वाले लोग हैं। लेकिन आज हम लोग जब जिस केदारनाथ सिंह जी के स्मृति में बैठे हैं वो एक बहुत ही सहज और एक आम गांव के व्यक्तित्व को अपने भीतर पूरी तरह समाहित किए हुए उच्चता के उस कोष पर जाते हैं जहां देश विदेश घूमने के बाद भी जब वो चकिया पहुंचते हैं तो उनके भीतर का चकिया वाला केदार जन्म ले लेता है और एक आम हरवाहे चरवाहे से लेकर गाँव में चाचा और बुआ और चाची और भैया और भौजाई का जो संबोधन निकलता है वह बताता है कि यह व्यक्ति वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है।
कैन थाना क्षेत्र के बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के बाहर नशे में धुत एक युवक बुधवार को बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोरी के दौरान ही स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई भी की, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। लोगों का कहना है कि मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने अक्सर दोपहिया वाहन चोरी हुआ करती है। आज यह चोर रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी पूरी तरह से नशे में धुत दिख रहा था। स्थानीय लोगों ने चोरी की घटना की सूचना 100 नंबर पर दी। उसके कुछ देर के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। चुनू बुला लीजिए डूरा के हम सोचे कहीं गिरा हो रहा है फिर कहा और बताइए के देला से जल्दी बताना तो फिर मारो बाबा समाग भाग गई जब फिर झूठ बोल ले अब फिर मारो और का हिसाब से झूठ बोलोगे और का तरीका है भैया ये मारिए 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 साले कौन थमाया है जगह में कह रहा हूं जगह में बता रखा है अम्मा तू जुगा ना कौन दिया तुमको क्या बताओ ना क्या आप चाबी जब्त कर लिया गया और मारो मत यार फोन करके बुला करके सही से बताना तो फिर मारो नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा बुधवार को महानगर के 6 स्थानों पर कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने अपना गृह कर जल कर को जमा किया। नगर निगम ने 31 मार्च तक हाउस टैक्स में ब्याज में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बुधवार को प्राइमरी पाठशाला बरगदवा में लगे कैंप का स्थानीय पार्षद रिंकी देवी ने फीता खाटकर उद्घाटन किया। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए कर निर्धारण अधिकारी रवीश चंद्रा ने बताया बता देंगे स्टार्टिंग हुई थी मकान का नाम है नाम सुभाष के अगल बगल है और कैसा हुआ जमा किसने हुआ राम जवास अरे हम अप्रैल मई में नहीं बिल आएगी अप्रैल मई में रामहंस यादव आज कल जोन 3 और जोन 4 में कुल मिला करके 7 कैंप लगाए गए हैं। उसमें जोन 4 में बरगदवा प्राइमरी पाठशाला जहां पर आप खड़े हैं सूर्य बिहार पुलिस चौकी के पास और माधोपुर पुरानी काली मंदिर के पास 3 कैंप लगाए गए हैं। जोन 3 में बसारतपुर पश्चिमी माता नेलिया के मकान के पास चरगावा करीम नगर चौराहा धर्मपुर तिराहा झुंझिया माननीय सांसद जी के आवास के पास ये 7 कैंप आज लगाए गए हैं। जनता की सहूलियत के लिए और ये सुविधा के लिए 31 मार्च तक नगर निगम की माननीय कार्यकारिणी ने अलग अलग ब्याज में 50% की छूट का घोषणा की तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने कैंप लगाया है कि जनता की सुविधा भी हो कि वहाँ पर जाकर के टैक्स जमा कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी जमा हो जाए इस सुविधा के लिए कैंप लगाया और छूट का लाभ भी प्राप्त करें। 31 मार्च के बाद पुनः ब्याज देना पड़ेगा, छूट तो नहीं रहेगी और 12% ब्याज भी देना पड़ेगा। भी जमा कर सकते हैं या अन्य जो भी इंस्पेक्टर हैं जहां जाते हैं वो भी जमा करेंगे सब जगह जमा। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव
संत कबीर नगर के जिला सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। सूचना निदेशक लखनऊ के आदेश प्राप्त होने के बाद उन्हें यहां से कार्य मुक्त कर दिया गया। मंडली सूचना कार्यालय में विगत 4 वर्षों से कार्यरत श्री श्रीवास्तव मेहनती, मृदुभाषी और एक कर्तव्य परायणी अधिकारी थे। इस अवसर पर कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर तिवारी, लेखाकार मदन पांडे, देवरिया के लेखाकार ओंकार पांडे, कृष्ण मोहन सैनी, अमरेश, पूर्व सूचना अधिकारी लाल शुक्ला सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बुधवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष इस्माइल खान की अध्यक्षता में गोरखपुर जोन के सभी विद्युत कर्मी 5 शहरों में विद्युत के निजीकरण का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किए और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजियां भी की। इस मौके पर विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सभी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया, समय के बड़े सारे कर्मचारी ने कहा कि जोगी भैया तुम खूब नाचो तो हम नचा देंगे। ये गोरखपुर के लोगों ने सिद्ध किया है और हम ये सिद्ध करके रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे एक वाकिया याद आ रहा है कि एक बार हमारे संतों ने पूछा कि हमको देखने इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। गोरखपुर सहित 5 शहरों के निजीकरण के विरुद्ध विरोध में आज संयुक्त संघ समिति के बैनर तले सभी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी और संगठनों के सभी संगठनों के सदस्य आज इस निजीकरण की कार्रवाई के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो जहां तक मांग का सवाल है, एक हम उस विफल नीति का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो इस सिद्धांत में विश्वास रखती है कि मुनाफे का निजीकरण किया जाए और घाटे का राष्ट्रीयकरण किया जाए। एक असफल नीति जिसके अति प्रयोग धर्मिता की वजह से आज विभाग का घाटा जो सन 2000 में 77 करोड़ था, आज 2018 में 77,000 करोड़ हो चुका है। हम ऐसी विफल नीति के विरोध में साथ ही साथ योगी सरकार द्वारा 5 शहरों का जो निजीकरण किया गया है उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी तात्कालिक मांग ये है कि पहले तो इन 5 शहरों का निजीकरण वापस किया जाए और इस विफल ऊर्जा नीति की व्यापक समीक्षा की जाए। उदाहरण के लिए आगरा में एक टोरेंट कंपनी को फ्रेंचाइजी दिया गया जो आज 3 से 3.25 रुपये राजस्व वसूली दे रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को कानपुर शहर की बिजली किसको संचालित करता है दिया गया, आज वो 6 रुपये से अधिक की का रेवेन्यू कलेक्ट करके विभाग को वापस कर रहा है। इसका मतलब 2.5 रुपये पर यूनिट का घाटा इस विभाग को हो रहा है। और CAG की रिपोर्ट थी 2012 के टैरिफ के आधार पर, जिसमें ये कहा गया है कि 2012 के टैरिफ पे के टोरेंट द्वारा इस विभाग को 450 करोड़ रुपये पर ईयर प्रतिवर्ष 450 करोड़ का घाटा हो रहा है, जो अगले 15 से 20 वर्षों में 6,000 करोड़ पहुंचने वाला है। इस जो एक एक देन किसकी है, इस विफल ऊर्जा नीति की देन है। हम हमारी तात्कालिक मांग इस विफल ऊर्जा नीति की व्यापक समीक्षा हो और 5 शहरों का निजीकरण तत्काल वापस लिया जाए। बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन विनय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारियों की 5 मांगों में से मुख्य किसानों के लंबित मुकदमों को जो फर्जी तरीके से राजनीतिक द्वेषवश लगाए जा रहे हैं और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। वृद्धा और विधवा पेंशन के पात्रों को सर्वे कराकर ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर पात्रों की सूची बनाई जाए और लाभार्थियों को दिया जाए। प्रदर्शन में शामिल रामानुज विश्वकर्मा, रामशरण चौधरी, दशरथ सिंह, अन्य महिला किसान यूनियन भी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन विनय कुमार शुक्ला ने कहा, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है। भारतीय किसान यूनियन किसानों की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं सुनी जा रही है। किसान परेशान हैं, भूमाफिया किसानों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन आंख मूंदे पड़ा हुआ है। उधर चुनाव था तो सारे लोगों की व्यस्तता थी, अब इधर नए डीएम साहब आ गए हैं तो व्यस्तता है। भाई किसानों की भी समस्याओं को सुनने का एक समय निर्धारित कर लिया जाए कि सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए इनकी समस्या सुना जाए। राशन में बहुत बड़ी समस्या है, जो राशन वितरण की प्रणाली है उसमें जैसे आधार कार्ड लगा है कि आधार कार्ड देना है, अब सारे कोटेदारे कह रहे हैं कि आधार कार्ड जब तक नहीं लाएंगे तब तक, अब नया रिन्यूअल हो जाएगा तब तक नहीं देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जिनका जो यूनिट है, जिनका ऑनलाइन है, उनको मिलना ही मिलना है, लेकिन बहुत बड़ा उसमें घपला हो रहा है। इसको प्रशासन रोका है। जो स्वच्छता अभियान के तहत चल रहा है शौचालय बनाने का काम, इसमें ग्राम प्रधान 2,000 रुपया 3,000 रुपया ले रहे हैं, चेक किसी को नहीं दिए हैं, जबकि लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट चेक दिया जाना है वो नहीं दे रहे हैं। इस तरह की समस्याओं को, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आज उभर के आई हैं। हम लोगों की बैठक थी आज और धरने में इसको तब्दील कर दिया गया है कि जो अगर प्रशासन के लोग आकर के हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकालते हैं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे और यही रणनीति बना करके आगे चलेंगे। बुधवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर चल रहे राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच स्पोर्ट्स कॉलेज ए और स्पोर्ट्स कॉलेज बी के बीच खेला गया, जिसमें स्पोर्ट्स कॉलेज ए ने स्पोर्ट्स कॉलेज बी को सीधे सेटों में 25-14, 25-5 और 25-16 के अंतर से मात देकर प्रतियोगिता जीत ली। विजेता टीम को मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने विजेता ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल विजेता टीम के खिलाड़ियों में अंडर 19 नेशनल कप्तान खुशबू गुप्ता, जूनियर नेशनल खिलाड़ी गुलफसा, सब जूनियर सवेरा, सब जूनियर उपासना, नंदनी प्रियंका मिश्रा आदि शामिल रहे। मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी एके पांडे ने पुष्प भेंट कर और उन्हें बैच लगाकर किया। इस मौके पर वॉलीबॉल प्रशिक्षक मुकेश सिंह, वॉलीबॉल महिला प्रशिक्षक रीवा शाही सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित भी किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि सीताराम जायसवाल ने कहा, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, साथ में आए प्रेमलाल शुक्ला जी, उनके साथ आए उनके साथीगण, प्रदेश वॉलीबॉल संघ की ओर से नामित रेफरीगण, प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जो टीमें चली गई हैं उन सभी खिलाड़ियों सहित आज फाइनल खेल रहे समस्त खिलाड़ी, विद्यालय के अध्यापकगण, अन्य सभी विद्यार्थी, वास्तव में ये हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि आज आदरणीय महापौर जी ने इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी। यद्यपि हम लोगों ने बहुत देर से आपसे अनुरोध किया था कि सर आपको हमारा आपका समय चाहिए हमारे कार्यक्रम में, पर आपने तुरंत उसको स्वीकार किया और हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम आपका अपने
खेल निदेशालय की तरफ से, क्षेत्रीय खेल कार्यालय की तरफ से, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों में आपको दोनों टीम में संघर्ष करती हूँ। आरती यादव हमारे आरती सवेरा पवार दौड़ भाग के मोबाइल आइए सुनील एक बार बोलो पहली बार वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में आया हूँ और मैं बहुत आज खुश हूँ कि वीर बहादुर जी के सपनों को स्पोर्ट्स कॉलेज के यशस्वी क्षेत्राधिकारी खेल अधिकारी इसको संवार और सजा करके रखा है और बच्चों के चेहरे पर जो रौनक दिखाई पड़ रही है और जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है वो और कॉलेजों के लिए अनुकरणीय है। बच्चियों को विकास के लिए खेल का प्रोत्साहन के लिए जरूरी है कि प्रबंध तंत्र उनका सक्रिय हो और मेहनत करके इनके चरित्र निर्माण शिक्षा पर पूरा बल दिया जाए। मैंने छत्राधिकारी से बात किया है, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था
यहाँ पर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में की गई है। क्षेत्र अधिकारी को और जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षक हैं और हमारे बच्चे हैं उनके उत्साहवर्धन करता हूँ और इनका भविष्य उज्जवल हो इसकी मैं शुभकामना करता हूँ और नौ वर्ष की नए बधाई भी देता हूँ। बुधवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच उद्यांश क्रिकेट एकेडमी और डोना क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डोना क्रिकेट एकेडमी 30 ओवरों में 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डोना क्रिकेट एकेडमी की तरफ से नितिन 22 रन और रंजय ने नाबाद 33 रनों की पारी खेली। उद्यांश क्रिकेट एकेडमी की तरफ से उपेंद्र शर्मा ने 3 ओवरों में 3 रन देकर बहुमूल्य 3 विकेट लिए। 98 रनों का पीछा करने उतरी उद्यांश क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 26वें ओवर में ही 98 रन का आसान लक्ष्य हासिल कर 5 विकेटों से यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। उद्यांश क्रिकेट एकेडमी की तरफ से प्रशांत ने 24 रन और विजय शर्मा ने नाबाद 26 रन बनाए। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दुर्व्यवहार को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद दोबारा लौटे काम पे। पुलिस द्वारा शिक्षकों पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर शिक्षक MLC ध्रुव त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों ने किया जिलाधिकारी से मुलाकात सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी विजेंद्र पंड्यन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिए निर्देश। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने राजघाट पुल के पास पूर्वांचल का पहला निशान के शोरूम का किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह और पूर्व मेयर पवन बथवाल सहित कई दिग्गज उद्घाटन में हुए शामिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी बैठक। 23 मार्च तक जोड़ों की सूची उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में लगाया जनता दरबार। सुनी फरियादियों की फरियाद। SSP शलभ माथुर ने कार्यालय में सुनी फरियादियों की फरियाद। कहा अब थानों पर ही होगा समस्याओं का समाधान। यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की बैठक हुई संपन्न। अपनी मांगों को लेकर 11 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बनाई गई रणनीति। बांसगांव BDO के निलंबन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने विकास भवन परिसर में दिया धरना। CDO के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे वापस। कई संस्थाओं द्वारा आयोजित हुई वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा। वक्ताओं ने स्वर्गीय सिंह के जीवन संघर्ष और उनके साहित्य पर डाला प्रकाश। कैन थाना क्षेत्र के बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने बाइक चोरी करते पकड़ा गया एक युवक। लोगों ने जमकर की पिटाई।
नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों ने जमा किए गृह कर और जल कर। मंडली सूचना कार्यालय में तैनात प्रशांत कुमार श्रीवास्तव बनाए गए संत कबीर नगर के जिला सूचना अधिकारी। निजीकरण के विरोध में जोन के सभी विद्युत संगठन पदाधिकारियों और कर्मचारी हुए एकजुट, किया जोरदार प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का नगर निगम पार्क परिसर में धरना प्रदर्शन। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज ए ने स्पोर्ट्स कॉलेज बी की टीम को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में रॉयल उद्यान क्रिकेट एकेडमी ने डोना क्रिकेट एकेडमी को 5 विकेटों से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।